Students, welcome you all on English Literature Topics platform. In this video, I will explain a very important literary criticism, and that is cultural materialism. Student, if you want to know about cultural materialism, then you should know about new historicism. So you can watch my video on the topic new historicism. So let's begin. What is cultural materialism? Cultural materialism को आप new historicism की family बोल सकते हो, ठीक है? न्यू हिस्टोरिसिज्म की फैमिली है कल्चरल मटीरियलिज्म. सो ये जो टर्म है, दिस टर्म कॉइन्ड बाय विलियम रेमंड, ठीक है, विलियम रेमंड ने ये टर्म दी है कल्चरल मटीरियलिज्म. ये जो टर्म है ये पॉलिटिकल टर्म है. न्यू हिस्टोरिसिज्म और इसमें कुछ चीज़ें सेम हैं पर कुछ अंतर भी है. सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है वो एक पॉलिटिकल बेस्ड टर्म नहीं है और कल्चरल मटेरियलिज्म एक पॉलिटिकल बेस्ड टर्म है. और दोनों ही टर्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड क्रिटिकल सॉरी कल्चरल मटेरियलिस्ट, दोनों ही किससे इन्फ्लुएंस्ड है? थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के थॉट से और जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है उससे इन्फ्लुएंस है दोनों ही, ठीक है. कल्चरल मटेरियलिज्म में मैंने बताया आपको कि ये पॉलिटिकल बेस्ड है और न्यू हिस्टोरिसिज्म पॉलिटिकल बेस्ड नहीं है. न्यू हिस्टोरिसिज्म में क्या बात की गई थी, मैंने आपको बताया था कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है उसके बिल्कुल अपोज में बात करता है न्यू हिस्टोरिसिज्म. क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म में बताया गया कि आपके पास अगर कोई पीस ऑफ राइटिंग है तो उस पीस ऑफ राइटिंग की बस लिटरी डिवाइस आपको पता होनी चाहिए और आपको बस टेक्स्ट से मतलब होना चाहिए, उसके अलावा आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं है. बट न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या कह रहा है कि इफ़ यू हैव अ पीस ऑफ राइटिंग तो आपको उसके ऑथर के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी उस टेक्स्ट को आप अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हो. इवन आपको टेक्स्ट के ऑथर के अलावा जो क्रिटिक है, जो रीडर है, उसकी हिस्ट्री बायोग्राफी भी पता होनी चाहिए, तभी आप उस टेक्स्ट को अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हो. ये कह रहा है न्यू हिस्टोरिसिज्म. और अकॉर्डिंग टू न्यू हिस्टोरिसिज्म किसी हिस्ट्री का कोई भी पीस ऑफ राइटिंग अगर लिटरेचर है तो भी वो हमारे लिए वैल्यूएबल है, और अगर वो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट है तो भी वो हमारे लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. अगर हम नॉन लिटरेरी टेक्स्ट पढ़ेंगे तो हमें वहाँ की हिस्ट्री पता चलेगी, और लिटरेरी टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम उसको उस अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं उसकी हिस्ट्री को देख के. सो ये दोनों ही चीज़ें न्यू जो न्यू हिस्टोरिकल है उनके लिए इम्पॉर्टेंट थी. अब कल्चरल मटीरियलिज्म जो है वो पॉलिटिकल बेस्ड कैसे है? देखो, ये जो टर्म है ये मैंने बताया कि रेमंड विलियम ने दी है 1985 में, उनकी बुक आई थी. मैं आपको जो है बुक का नाम बता, मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर जो उनकी बुक थी उसमें ये टर्म है कल्चरल मटीरियलिज्म, जो टर्म दी गई है बाय विलियम रेमंड. अब इस टर्म में क्या बात की गई है? इस टर्म में सबसे ज़्यादा शेक्सपियर और जेन ऑस्टिन जो है उनके वर्क्स को आप बोल सकते हो कि फोकस करके हमें समझाया गया है कल्चरल मटीरियलिज्म को, स्पेशली शेक्सपियर के वर्क्स को. शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में क्या बताया गया है? देखो, दो इसके रेमंड विलियम ने तो ये जो टर्म है पर्टिकुलर कल्चरल मटीरियलिज्म ये कॉइन की थी, बट इसको आगे बढ़ाने वाले कौन थे? जोनाथन डॉलीमोर और एलन सिनफील्ड. ये जो दो लोग थे इम्पॉर्टेंट कल्चरल मटीरियलिस्ट बोल सकते हो आप इनको, जोनाथन डॉलीमोर और एलन सिनफील्ड, इनकी एक बुक आई थी पॉलिटिकल शेक्सपियर, ठीक है. उस पॉलिटिकल शेक्सपियर जो है उसका सबटाइटल है ऐसे इन कल्चरल मटेरियलिज्म, ठीक है. इस बुक में इन्होंने फोर मतलब इसके करेक्टरिस्टिक बताए हैं, कल्चरल मटेरियलिज्म के समझने के फोर करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं. और ये जो दोनों बंदे थे, जोनाथन डॉलीमोर और एलन सिनफील्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल मटेरियलिस्ट थे. तो इन्होंने अपनी बुक में पॉलिटिकल शेक्सपियर में ये बताया कि जो शेक्सपियर है उसके वर्क भी पॉलिटिकली कहीं ना कहीं जो है बेस्ड थे. देखो, शेक्सपियर कब आया था? एलिजाबेथन के टाइम में, क्वीन एलिजाबेथन के टाइम में आया था. तो आप शेक्सपियर के वर्क में पॉलिटिकल व्यू देख सकते हो अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे. उसने शेक्सपियर के ड्रामा, शेक्सपियर की पोएम्स, प्लेज, इन सब को डिफाइन करके आइडिया लगाया दैट शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं वो कहाँ बेस्ड है, पॉलिटिकली बेस्ड है, ठीक है. मैं बहुत ही शॉर्ट वे में आपको बता रही हूँ. फिर इसके जो कुछ की पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ, की पॉइंट्स क्या क्या हैं एक बार रीड आउट करके. देखो, कल्चर मटीरियलिस्ट इज अ टर्म कॉइंड बाय रेमंड विलियम.
कल्चर मटेरियलिज्म इज अ थ्योरेटिकल मूवमेंट विच इमर्ज इन द अर्ली 1980s अलॉन्ग विद न्यू हिस्टोरिसिज्म. ये न्यू हिस्टोरिसिज्म के साथ ही आया था. न्यू हिस्टोरिसिज्म अमेरिका में आया था और ये इंग्लैंड में था. कल्चर मटेरियलिज्म कहाँ था? इंग्लैंड में, और वो अमेरिका में. ठीक है, रेमंड विलियम का व्यू क्या है? रेमंड विलियम व्यूड कल्चर एज अ प्रोडक्टिव प्रोसेस. इन्होंने कल्चर को एक प्रोडक्टिव प्रोसेस बताया है. फॉर हिम द स्टडी ऑफ लिटरेचर ऑफ एनी एज, स्टडी ऑफ लिटरेचर ऑफ एनी एज का मतलब कोई भी एरा का लिटरेचर हो, वुड रिफ्लेक्ट द डोमिनेंट वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी. वो रिफ्लेक्ट करता है डोमिनेंट वैल्यू ऑफ द सोसाइटी. मतलब एक तरह से वही बात आ गई, पॉलिटिकल चीज़ें दिखाता है उस सोसाइटी में जो डोमिनेशन है वो दिखाया गया है. कोई भी एज का लिटरेचर आप उठा के देख लो, आपको उस लिटरेचर में उस एज की कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो नज़र आएगा. ठीक है, जो हेजेमनी फोर्सेस हैं वो नज़र आएंगे. अब ये हेजेमनी फोर्सेस क्या है? देखो, जो एंटोनियो ग्रैम्सी हैं उनकी टर्म है हेजेमनी. उस टर्म का मीनिंग अकॉर्डिंग टू एंटोनियो ग्रैम्सी क्या है कि आपको कोई, आपसे कोई बात मनवाई जाए, आपका मन नहीं वो बात मानने का, पर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके कोई बात मनवाई जाए, दैट इज़ हेजेमनी. अब देखो, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो. आप सपोज आपके फादर आपको कुछ करने को कहते हैं और आपका मन नहीं है वो काम करने का, बट फिर भी आपको फादर कहते हैं कि नहीं तुम ये करो, अदरवाइज मेरा अटैक आ सकता है या मैं बीमार हो सकता हूँ. सो कहीं ना कहीं, मतलब, या फिर फादर आपको इस अकॉर्डिंग समझाएं कि देखो बेटा, हमने ये चीज़ नहीं की थी इसलिए हम पछता रहे हैं, अब तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए. कुछ भी हो सकता है वो, आप अपने माइंड में उस अकॉर्डिंग सोच लीजिए. तो आपको इस अकॉर्डिंग आपके फादर समझाएं और आप उस चीज़ को अपने दिमाग में आइडिया लगा के सोचो, शायद पापा बात सही कह रहे हैं, और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो. ठीक है, चाहे आपका मन नहीं था पर आप अपने फादर की बात को समझ लिए, या कहीं ना कहीं आप इमोशनल ब्लैकमेल हो गए और आपने आपके फादर की बात को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज़ हेजेमनी. मतलब आपके फादर ने अपनी बात कैसे भी मनवा ली, चाहे वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके मनवाई हो, चाहे आपको समझा कर मनवाई हो. तो एक तरह से आपको जो है उन्होंने अपनी बात मनवा ली. तो ये हेजेमनी है एंटोनियो ग्रैम्सकी के अकॉर्डिंग. तो यहाँ भी कल्चर मटेरियलिज्म में यही बात की गई है कि जो हेजेमनी फोर्सेस हैं वो आपको कोई भी एज का लिटरेचर हो उसमें ज़रूर देखने को मिलेंगे. हो सकता है कि एक हिटलर के जैसे राज नहीं किया जा रहा हो, पर कहीं ना कहीं राज तो किया जा रहा है. अब आपके फादर ने आपको हिटलर के जैसे राज तो नहीं किया, उन्होंने समझाया अपनी बात को, उन्होंने अपनी बात को आपके आगे रखा और आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी बात तो मनवा ली, बस एक हिटलर के अकॉर्डिंग नहीं मनवाई. तो हिटलर में और क्या डिफरेंस हो गया आपके फादर में? यही कि आपके फादर हेजेमनी फोर्सेस यूज़ कर रहे हैं और हिटलर अपनी बात को डायरेक्ट बोल रहा है कि मेरा ये कहना मानना ही पड़ेगा. ठीक है, वो एक निरंकुशवादी शासन कर रहा है और आपके फादर ने शासन तो किया है बट एक हेजेमनी फोर्सेस यूज़ करके किया है. तो ये यही कह रहे हैं कि उस एरा के हेजेमनी फोर्सेस आपको उस लिटरेचर में, उस एरा का जो लिटरेचर, उस एज का जो लिटरेचर है उसमें देखने को ज़रूर मिलेंगे. ठीक है, विलियम व्यूड कल्चर एज अ प्रोडक्टिव प्रोसेस. फॉर हिम द स्टडी ऑफ लिटरेचर ऑफ एनी एज वुड रिफ्लेक्ट द डोमिनेंट वैल्यूज ऑफ दैट सोसाइटी. लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स इज द सपोर्ट ऑफ सोशल इक्वेलिटी एंड एगलिटेरियनिज्म ऑफन इज अपोजिशन ऑफ सोशल हायरार्कीज. अब देखो, रेमंड विलियम जो है इसको लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स कहा जाता है, है ना? लेफ्ट विंग क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि लेफ्ट विंग क्या थी? लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स इज द, जो लेफ्ट विंग है वो पॉलिटिक्स सपोर्ट करती थी, सोशल इक्वेलिटी को सपोर्ट करती थी और एगलिटेरियनिज्म को सपोर्ट करती थी. ठीक है, सबके लिए सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, इसको सपोर्ट करती थी वो. अपोजिशन ऑफ सोशल हायरार्की, सोशल हायरार्की के अपोजिशन में थी. जो ग्रुप बन जाते थे अलग अलग कि ये पैसों वालों का ग्रुप है, ये जो है लोअर कास्ट का है, ये अपर क्लास का है, उसके ये अपोजिशन में थी जो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स थी. तो ये लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने वाले थे रेमंड विलियम. ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना. और लेफ्ट विंग के लिए क्या था? फॉर लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स इन इक्वेलिटी दैट नीड टू बी रिड्यूस्ड और अबॉलिश्ड. जो हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी चल रही है दैट नीड टू बी रिड्यूस्ड
और अबॉलिश्ड, उसको दूर कर दिया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेफ्ट विंग पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स. ठीक है, ब्रिटिश क्रिटिक ग्राम होल्डरनेस, नाम याद रखना जो मैं बोल रही हूँ. उसके अलावा आपके पास बहुत सारे विकिपीडिया हैं और बहुत सारी हिस्ट्री जो इसकी लिटरी क्रिटिसिज्म की बुक्स होंगी उनमें भी आप पढ़ सकते हो, आपको वो नाम, पर्टिकुलर नाम और बुक्स के नाम मिल जाएंगे. बट फिर भी ध्यान रखना, ब्रिटिश क्रिटिक ग्राम होल्डरनेस डिफाइंस कल्चर मटेरियलिज्म एज ए पॉलिटिसाइज्ड फॉर्म ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. इन्होंने, ये आ सकता है एग्जाम में, पॉलिटिसाइज्ड फॉर्म ऑफ हिस्टोरियोग्राफी किस ने बोला है कल्चरल मटेरियलिज्म को, तो किसने बोला है, ब्रिटिश क्रिटिक ग्राम होल्डरनेस ने डिफाइन किया है कल्चरल मटेरियलिज्म को पॉलिटिसाइज्ड फॉर्म ऑफ हिस्टोरियोग्राफी बोलकर. ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली थी कि जो जोनाथन डॉलीमोर और एलन सिनफील्ड ने जो बुक लिखी थी पॉलिटिकल शेक्सपियर, उसमें उन्होंने 4 कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं कल्चरल मटेरियलिज्म को समझने के लिए. तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के जो आपको नाम है वो एक बार मैं बता देती हूँ. सबसे पहला है, आपको अगर कोई रीडिंग करनी हो है ना कल्चर मटेरियलिज्म के अकॉर्डिंग, तो आपको कैसे करनी पड़ेगी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा. नंबर 1 जो इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बताया वो है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मतलब आपको उस वर्क का, उस पीस ऑफ राइटिंग का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आप देखेंगे. सेकेंड इज थ्योरिटिकल मैथड देखेंगे. थर्ड इज पॉलिटिकल कमिटमेंट. एंड फोर्थ इज टेक्स्चुअल एनालिसिस. मतलब जैसे न्यू हिस्टोरिसिज्म में क्या बात कर रहा था कि आपको टेक्स्ट से एज सच कोई मतलब नहीं है. ठीक है, आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए क्रिटिक की और ऑथर की और रीडर की. आपको उसकी बायोग्राफी पता होनी चाहिए, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए. यहाँ ये कह रहे हैं टेक्स्चुअल एनालिसिस भी ज़रूरी है. कौन कह रहे हैं, कल्चरल मटेरियलिज्म वाले. तो कल्चरल मटेरियलिज्म में जो टर्म है वो तो रेमंड विलियम ने कॉइन की थी, और जो इसको आगे बढ़ाने वाले थे जो इम्पोर्टेंट कल्चरल मटेरियलिस्ट माने जाते हैं वो कौन है, जो जोनाथन डॉलीमोर और एलन सिनफील्ड है. उन्होंने अपनी जो बुक थी पॉलिटिकल शेक्सपियर, जिसको सबटाइटल है जिसका एसे इन कल्चरल मटेरियलिज्म, उन्होंने अपनी बुक में 4 तरह की, जो 1985 में आई है, ये 4 तरह के करेक्टरिस्टिक बताए हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, थ्योरिटिकल मेथड, पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड टेक्स्चुअल एनालिसिस. उसके बेस पे उसने कल्चरल मटेरियलिज्म को पूरा समझना बताया है. ठीक है, कल्चरल मटेरियलिज्म टेक्स अ गुड डील ऑफ इट्स आउटलुक फ्रॉम द ब्रिटिश लेफ्ट विंग क्रिटिक रेमंड विलियम्स. ये मैंने आपको बता ही दिया कि लेफ्ट विंग क्या होता है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बस मैंने आपको बता दी. यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बताने लायक जो मैंने आपको बता दी, कि एक तो जो इन दोनों की बुक है एलन सिनफील्ड और जोनाथन डॉलीमोर की पॉलिटिकल शेक्सपियर, इसका नाम ध्यान में रखना है. और जो ग्राम होल्डरनेस ने डिस्क्राइब किया है कल्चर मटेरियलिज्म को क्या बोल के, अ पॉलिटिसाइज्ड फॉर्म ऑफ हिस्टोरियोग्राफी बोल के जो डिस्क्राइब किया है वो ध्यान रखना है. उसके अलावा आप जो ये टर्म है ये कॉइन की है रेमंड विलियम्स ने, और इन्होंने जो ये टर्म कॉइन की मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर अपनी बुक है इनकी उसमें कॉइन की है. सो ये ध्यान रखना है आपको. उसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें क्या हो सकता है आपको मैं बता, एक इसमें टर्म बताई गई है स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग्स, जो कि रेमंड विलियम्स ने दी है. ये रीड आउट करके बताती हूँ. रेमंड विलियम्स यूज द फ्रेज स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग टू रेफर टू द सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज विच आर फेल्ड बाय पीपल इन देयर बोन्स एंड एक्सपीरियंस्ड बाय देम इन देयर डेली एग्जिस्टेंस. ये एक टर्म जो है वो भी फ्रेज आपको ध्यान रखनी है. स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग आ सकता है एग्जाम में, कि स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग जो फ्रेज है वो किसने दी है, वो रेमंड विलियम ने दी है. सो मेरे अकॉर्डिंग तो कल्चरल मटेरियलिज्म की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी है, और आप इन डिटेल इसको बहुत जगह पढ़ सकते हो, बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो. मेरे पास जितने इक्विपमेंट्स हैं जितना टाइम मिल पा रहा है उस अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ कुछ आई थिंक बता पा रही हूँ. एंड आई थिंक, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहते होंगे जो मैं बना रही हूँ. सो थैंक यू, एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.